दोहरे हत्याकांड में महिला समेत दो को मृत्युदंड, 70,000 रुपये अर्थदंड, न देने पर 1-1 वर्ष की अतिरिक्त कैद। 11 वर्ष पूर्व मां बेटी की साड़ी से गला दबाकर हत्या करने एवं बिस्तर पर जलाने का मामला। कोर्ट ने कहा दोनों को अलग अलग फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक मौत न हो जाए। सोनभद्र से राजेश पाठक की रिपोर्ट, अब जानिए विस्तार से। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को 11 वर्ष पूर्व मां बेटी की साड़ी से गला दबाकर की गई हत्या एवं बिस्तर पर आग से जलाने के मामले में सुनवाई करते हुए गंभीरतम अपराध मानते हुए दोषियों गीता देवी एवं अशोक शर्मा को दोषी पाकर मृत्युदंड एवं 70,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 1-1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने नृशंस हत्या मानते हुए कहा है कि दोनों को अलग अलग फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि मौत न हो जाए। अभियोजन पक्ष के मुताबिक चौपन थाने में मिर्जापुर जिला अंतर्गत कोतवाली कटरा के सवरी संकटा प्रसाद की गली निवासी सतीश कुमार शर्मा ने 21 दिसंबर 2010 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके दामाद श्रवण शर्मा, जो राजस्थान में रहते हैं, ने 4 बजे भोर में फोन से यह सूचना दिया कि ग्राम प्रधान चौपन ने सूचना दिया है कि उसकी पत्नी सुनीता देवी व 3 वर्षीय बच्ची झलक की साड़ी से गला दबाकर हत्या करके बिस्तर पर जलाया गया है। इस सूचना पर अपने घर मिर्जापुर से सपरिवार चौपन आया तो देखा कि उसकी बेटी सुनीता एवं नतनी झलक मरी हुई पड़ी थी। दोनों के गले में साड़ी का फंदा लगा हुआ था और शरीर एवं बिस्तर व कपड़े जले हुए थे। पूर्ण विश्वास है कि यह हत्या बेटी की सास गीता देवी एवं दूर का रिश्तेदार अशोक शर्मा ने मिलकर किया है, क्योंकि अशोक शर्मा अक्सर चौपन आता रहता था और गीता देवी से अवैध संबंध के चर्चे होती रही। इस तहरीर पर पुलिस ने हत्या की FIR दर्ज कर मामले की विवेचना की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका सुनीता के पेट में गर्भ पाए जाने की पुष्टि हुई। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने बारी बारी से चौपन गांव निवासी गीता देवी एवं मिर्जापुर जिले के जिगना थाना अंतर्गत हरगढ़ गांव निवासी अशोक शर्मा के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी पाकर गीता देवी, फिर से आप सुन लें, दोषी पाकर गीता देवी व अशोक शर्मा को मृत्युदंड एवं 70,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 1-1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने नृशंस हत्या मानते हुए कहा कि दोनों को अलग अलग फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि मौत न हो जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय कुमार यादव ने बहस की। आइए जानते हैं सोनभद्र में सुनाई गई दूसरी फांसी। सोनभद्र जिले में यह दूसरी फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि पहली फांसी का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था, अब दूसरी फांसी की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट बरकरार रखेगा या बदलाव करेगा, यह सुनवाई के बाद ही, आने वाले निर्णय के बाद ही पता चल सकेगा।